औरंगाबाद के मंजूला थाना क्षेत्र में हुए आपसी विवाद के चलते ईंट पत्थरों से पीट पीट कर बाप बेटे की निर्मम हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। दिन दहाड़े हुए डबल मर्डर की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन घटना के एक दिन बाद सपा से मुरादाबाद शहर के सांसद डॉक्टर एसटी हसन दलित संगठनों के साथ पीड़ित के घर पहुंचे और उनसे पूछताछ की। सांसद एसटी हसन ने कहा कि कल जो पिता पुत्र की निर्मम हत्या हुई है वे वाकई एक घिनौना अपराध है। उन्होंने मृतक के परिवार से बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके साथ पूर्ण रूप से न्याय किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सरकार से मृतक के परिवार के सदस्यों को नगर निगम में सरकारी नौकरी और 2 करोड़ का मुआवजा देने की बात कही। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने सारे हालात यहाँ पर देखे, बहुत दर्दनाक घटना है। एक इंसान जो अपने पैरों से भी नहीं चल पाता था उसकी ऐसे निर्मम हत्या कर दी गई, और एक दूसरा जो उनका बेटा जो दिमागी तौर से कमजोर था उसको भी मार दिया गया। मैं तो यही कहूँगा कि ये इंसान का काम नहीं, ये तो जानवर हैवानों का काम। ऐसे में हमें इनको पूरे इंसाफ दिलाएंगे। हमें उम्मीद है कि हमारे ज़िला स्तर से भी इनको इंसाफ मिलेगा, और अगर उसमें कहीं कोताही होती है तो हम पार्लियामेंट में भी इस बात को उठाएंगे। इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए, इससे पूरी इंसानियत कलंकित होती है। इसकी एक बच्ची है, वो भी बेचारी बेवा है। हम उसके लिए डिमांड करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि उसको कम से कम 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलाया जाए ताकि उसके आंसू पुछ जाए। हकीकत तो यह है कि उस पैसे से जाने वापस नहीं आती, लेकिन कम से कम जख्म में मरहम तो लग सकता है। सांसद जी, पीड़ितों से आपकी बात हुई है, किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था, किस बात का विवाद था, क्या बताया गया? पहले से ही ये बता रही है, परेशान करते थे, बुरा भला कहते थे, जाति सूचक लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते थे। मकान का भी कोई इनका डिस्प्यूट था, कब्जा करना चाहते थे, और उससे जिस तरह से उन्होंने दिन दहाड़े इस काम को अंजाम दिया है, उससे हमें ऐसा लगता है कि कानून का खौफ ही शायद उन लोगों के दिल में नहीं।